नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की रणभेरी भले ही अभी ना बजी हो, लेकिन सियासी पार्टियां और उनके नेता अपना अपना बिगुल फूंक रहे हैं। प्रदेश के स्थानीय नेता हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी या फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सभी अपने अपने मिशन में जुट गए हैं। राहुल गांधी जहां अपने टेस्टेड फॉर्मूला संविधान और जातीय जनगणना के एजेंडे को महाराष्ट्र में भी आगे बढ़ा रहे, तो वहीं पीएम मोदी ने अब खुलकर यह कहना शुरू कर दिया है कि हमें बटना नहीं है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। पीएम मोदी के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में अचानक से सियासी उबाल आ गया है। सब यही जानना चाह रहे हैं, आखिर महाराष्ट्र को कौन बांट रहा है और कौन महफिल सजा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जय हिंद। कास्ट सिस्टम को देखने का दूसरा तरीका कि जो मुझसे नीचे है उसकी स्पेस की मैं रिस्पेक्ट नहीं करूं। जैसे मेरे गांव में एक अपर कास्ट है, मेरी कास्ट नीचे है, तो वो क्या खा रहा है मुझे पता है, लेकिन मैं क्या खा रहा हूं उसको आज भी पता नहीं है। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई बांटने और महफिल सजाने पर आई। जात को साधने में जुटे राहुल किस कास्ट का किसे समर्थन फुल? हमारे लोग छिपाते हैं कास्ट खुद की, सरनेम चेंज करेंगे, बाद में पता चलता है ना ये बंदा कौन है जब शादी के लिए जाएगा। सज गई चुनावी बिसात, जनता किसे देगी शह, किसे मिलेगी मां? महाराष्ट्र सियासत और चुनाव के लिहाज से देश का सबसे अहम राज्य, जहां की सत्ता पाने के लिए तमाम दल हर वक्त ख्वाब देखते हैं, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए रणनीति बनाते हैं। वोटर्स को साधने के लिए एक से बढ़कर एक प्लान तैयार करते हैं। प्रदेश की मौजूदा सियासत में बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी और एनसीपी शरद अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। सत्ता पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, खासकर बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी की ओर से मोर्चा जहां खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल लिया है, वहीं कांग्रेस की चुनावी बागडोर खुद राहुल गांधी अपने हाथों में लिए हुए हैं। बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की खोई हुई जमीन वापस दिलाने और जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने के बाद अब राहुल गांधी अपने महाराष्ट्र मिशन में जुट गए हैं। ये दूसरे नंबर का है, इसमें मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन सर आपने बनाया उसको ऐसा, वो आपने, मैंने देखा आपने डाल दिया वो। और यहाँ भी राहुल गांधी अपने एजेंडे को पूरी मजबूती के साथ चुनावी शोर में शामिल कर रहे हैं। एजेंडा संविधान का, एजेंडा आरक्षण का, एजेंडा जातीय जनगणना का, एजेंडा छुआछूत का, जातीय भेदभाव का, सारा जिसकी पहली झलक उन्होंने कोल्हापुर में दिखाई। हाथ में काला धागा बांधने के। बीते 5 अक्टूबर को राहुल गांधी महाराष्ट्र के कोल्हापुर दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कोल्हापुर के कस्बा बावड़ा में भगवा चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करने के बाद संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल होकर अपने सियासी इरादे तो साफ जाहिर किए ही, साथ ही एक दलित के घर जाकर भी अपना साफ संदेश दिया। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की। दरअसल राहुल गांधी कोल्हापुर के उच्च गांव पहुंचे थे, जहां वो दलित समाज से आने वाले अजय कुमार तुकाराम संदे के घर जाकर न सिर्फ उन्होंने खाना खाया बल्कि खुद उनके किचन में जाकर खाना बनाया भी। कास्ट सिस्टम को देखने का दूसरा तरीका कि जो मुझसे नीचे है उसकी स्पेस की मैं रिस्पेक्ट नहीं करूं। जैसे मेरे गांव में एक अपर कास्ट है, मेरी कास्ट नीचे है, तो वो क्या खा रहा है मुझे पता है, लेकिन मैं क्या खा रहा हूं उसको आज भी पता नहीं सर। तो क्या आपको लगता है कि ये सारा का सारा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किया गया है कि पता लग जाए कौन क्या है?
हाथ में काला धागा बांधेंगे, समझ आएगी आंधी ये बंदा दलित है। पुरानी बात बता रहा हूँ, अभी तो नहीं रहा है लेकिन पिछले 10 साल में बहुत बढ़ता जा रहा है फिर से खाने के ऊपर से, बहुत शार्पनेस आ गया है उसमें। आप क्या खाओगे गवर्नमेंट तय करेगी। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, लोग जानते नहीं है आपके खाने के बारे में, कैसे खाते हो कैसे पकाते हो, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये आपने यहाँ लिखा है कि ये जो कल्चर है ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। नहीं करता है, तो इसके बारे में आप मुझे बताइए कि ये आपकी डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, एक तो डायरेक्ट डिसरिस्पेक्ट हुई कि भैया हम आपको छुएंगे ही नहीं, बराबर, और एक डिसरिस्पेक्ट हुई कि भैया आप जो खा रहे हो उसके बारे में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, बराबर। कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल गांधी को ये भली भांति पता है कि महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होना है तो बाकी राज्यों की तरह यहाँ पे भी दलित वोटरों को अपने साथ जोड़े रखना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में दलित वोटरों का काफी अच्छा खासा प्रभाव है और इसका परिणाम हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। कांग्रेस प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी अभी से बाकी जातियों को लामबंद करने में जुट गए हैं। नमस्कार। साफ है चुनाव से पहले राहुल गांधी ने अपना संदेश दे दिया कि अब की बार का महाराष्ट्र चुनाव उनकी पार्टी और उनका गठबंधन किस एजेंडे पर लड़ने जा रहा है। राहुल गांधी को ये समझ में आ गया है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के पीछे बहुत हद तक दलित वर्ग का हाथ और आरक्षण का मुद्दा, आजादी का जनगण का मुद्दा उनका सफल होते दिख रहा है। महाराष्ट्र में 13% से ज्यादा दलित हैं, अलग अलग पॉकेट्स में फैले हुए, और महाराष्ट्र एक देश का ऐसा इकलौता राज्य है जहां से दलित आंदोलन न केवल खड़ा हुआ बल्कि सामाजिक बदलाव में भी सबसे ज्यादा, शाहू फुले अम्बेडकर की परंपरा महाराष्ट्र से रही, तो शाहू फुले अम्बेडकर के महाराष्ट्र में राहुल गांधी को यह मुद्दा ऐसा लगता है जो चलेगा, इसलिए बार बार पूरे चुनाव में मुद्दा गिनाते रहेंगे और न केवल गिनाते रहेंगे बल्कि इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। एक संकेत आपको और देता हूँ, कांग्रेस ने अंदरूनी तौर पर इस बात का सर्वे भी कराया है कि आने वाले समय में क्या महाराष्ट्र में कोई दलित चेहरा आगे होकर बढ़ सकता है जिसको वो फेस भी बना सकते। इतना ही नहीं, राहुल गांधी जब कोल्हापुर में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे तब भी उनके एजेंडे में जाति ही थी। राहुल गांधी ने संविधान और जातीय जनगणना के मसले पर अपनी राय रखने के साथ ही बीजेपी और पीएम मोदी पर करारा हमला बोला था। आपकी आबादी 50% पिछड़ा वर्ग ओबीसी, और हिंदुस्तान के बजट में अगर हिंदुस्तान 100 रुपए खर्च करता है तो 5 रुपए का डिसीजन ओबीसी अफसर लेते हैं। आबादी 50% और फाइनेंशियल डिसीजन 5%, दलित 15% आबादी, 100 रुपए में से 1 रुपए का निर्णय वो लेते हैं, और आदिवासी 8%, 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय वो लेते हैं। तो अगर आप 90% का पूरा फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पावर जोड़ दो तो 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय 90% हिंदुस्तान लेता है। दो चीजें तो बिल्कुल साफ है और मैंने पार्लियामेंट में कह दी है और वो शुरुआत है। पहला कदम ये जो बैरियर है 50% का, इसको कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोकसभा राज्यसभा में बदलेगा, और हम मतलब ऐसे वायदे नहीं करते हैं, आप जानते हो जब हम कुछ कहते हैं हम करके दिखाते हैं। और दूसरा स्टेप जिसको मैं क्रांतिकारी स्टेप कहता हूं, जाति जनगणना, कि यह पता लगाना है कि इस देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं आज कोई नहीं जानता। मैं कह रहा हूं 50% मगर लीगली कोई नहीं जानता। हिंदुस्तान की संस्थाओं में इन लोगों की कितनी पकड़ है, जुडिशियल सिस्टम में आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, किस लेवल पे हैं, मीडिया में कितने हैं, किस लेवल पे हैं, ब्यूरोक्रेसी में कितने हैं, आईएएस ऑफिसर्स
कहां कहां बैठे हैं, कौन कौन कहां है, कितना बजट कौन संभाल रहा है। एक प्रकार से जैसे जब किसी को चोट लगती है हम कहते हैं भैया जाओ एक्सरे कराओ, अगर आपको चोट लगे और डॉक्टर ने कहा कि भैया एक्सरे कराओ, आप कभी मना करोगे? नहीं करोगे ना, कहोगे चोट लगी है एक्सरे करानी है। तो जाति जनगणना एक्सरे हिंदुस्तान का। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस दिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर दौरे पर थे, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी भी महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे थे। इस दिन पीएम मोदी ने वाशिम और ठाणे में अलग अलग कार्यक्रमों के अपने संबोधन में न सिर्फ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा बल्कि राहुल गांधी के जातीय जनगणना वाले एजेंडे पर भी करारा प्रहार किया। आज कांग्रेस के असली रंग खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा है। पूरी दुनिया में जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, कांग्रेस अब खुलकर उनके साथ खड़ी है। इसलिए अपनी घोर असफलताओं के बावजूद कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देख रही है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है, हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे की बात कही, महाराष्ट्र के सियासत में मानो भूचाल आ गया। विपक्षी दलों की ओर से पलटवार शुरू हो गए। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि जो वो खुद करते हैं वो दूसरे पर आरोप लगाते हैं। नरेंद्र मोदी जी, देश की जनता से जब से प्रधानमंत्री बोले एक लाइन बताइए आज तक की, जिन्हें जो देश में बोलते हैं एक सच की लाइन उनकी बताइए। डिवाइड तो खुद ही करते हैं, जो वो करते हैं वो दूसरे पे लांछन लगाते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी का स्टाइल है। तो इसलिए बहुत कांग्रेस तो उनके लिए कांग्रेस को गाली देना, गांधी और नेहरू परिवार को गाली देना, उसी से अपनी राजनीति करना। कल तक कहते थे सबका साथ सबका विकास, आज बांटने पर आ गए। मतलब जो योगी आदित्यनाथ भाषा बोल रहे हैं वही भाषा प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। कौन बटने वाला है प्रधानमंत्री जी? मुसलमान तो पहले से ही आपसे कट गया है, वोट नहीं करता। हिंदू अगर बट गए तो हिंदू के बटने पर किसकी महफिल सजेगी? क्या हिंदू आपस में एक दूसरे के प्रति बट के खुशियां मनाएंगे? क्या हिंदू आपको मतदान नहीं करेंगे तो दूसरा कोई खुशी मनाएगा? क्यों ऐसी अफवाह फैलाते हैं, क्यों लोगों को भ्रमित करते हैं प्रधानमंत्री जी? अगर कोई धार्मिक संगठन या राजनीतिक पार्टी धर्मों के आधार पर अपने देश को बांटने की कोशिश करे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। हालांकि सीएम शिंदे की शिवसेना ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि बाबा साहब ठाकरे भी यही चाहते थे। प्रधानमंत्री जी के विचारों से सहमत है, हम मानते हैं कि सभी हिंदुओं को संगठित होना चाहिए, ये बाला साहेब ठाकरे जी के भी विचार थे। और जो भी ताकत हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश करता है या देश को तोड़ने की कोशिश करता है, ये ताकतों का वो देश के अंदर हो या देश के बाहर से हो, उसका कड़ा विरोध होना चाहिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पीएम मोदी का बयान राहुल गांधी के जातीय जनगणना के मुद्दे की काट है? तो ये भी समझिए, संघ और बीजेपी का हमेशा से मानना है कि जाति जनगणना की
जरूरत उतनी नहीं है, क्योंकि इससे जातियां बटेंगी तो नुकसान होगा। उनका मानना है कि जातियों में बंटवारा हिंदू धर्म में बंटवारा है, वो हिंदुत्व के वोट को एकजुट करना चाहते हैं, इसलिए हमेशा बार बार हिंदुत्व के मुद्दे उठाते हैं। जाहिर तौर पर मंडल बनाम मंडल ये तो हमेशा से रहा है। बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत अब अपने पीक पकड़ चुकी है। आने वाले दिनों में ऐसे कई बयान सुनने को मिल सकते हैं जो कि सवाल वोट का है, अपने अपने वोट बैंक को साधने का है। लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार के चुनाव में कौन सी जाति किस पार्टी को अपना कितना समर्थन देती है और किस गठबंधन को जिताकर सत्ता पर काबिज कराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। बाकी राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी का पूरा फोकस जाति पर आधारित है, खासकर दलित वोट बैंक पर कांग्रेस की गहरी नजर है। आखिर महाराष्ट्र की सियासत में दलित वोटरों का क्या प्रभाव है, सियासी पार्टियों के लिए दलित वोटर क्यों इतने जरूरी हैं? यह रिपोर्ट देखिए। अब की बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का पूरा समीकरण और वोटों का गणित जातियों पर केंद्रित हो गया है, खासकर दलित वोट बैंक पर सबकी नजरें टिकी हुई, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में दलित समाज का अच्छा खासा प्रभाव है, लगभग सभी सीटों पर अपना दबदबा है। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में 11% के करीब वोटर दलित समाज से आते हैं। महाराष्ट्र में SC यानी अनुसूचित जाति में तकरीबन 57 जातियां शामिल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 30-40% जाटव की आबादी, वहीं महार 20-30%, मंग्स 10-20%, धोबी भी 10-20% और चंभर जाति से ताल्लुक रखने वालों की संख्या लगभग 5-10% के करीब। आबादी की बहुलता को देखते हुए ही प्रदेश की 288 विधानसभा सीटों में से 29 और लोकसभा की 48 में से 5 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। जाहिर है इतनी सीटें किसी भी पार्टी या गठबंधन की सरकार बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि इन सीटों यानी दलित वोटर्स को अपने साथ रखने के लिए अभी से दोनों गठबंधन अपनी अपनी रणनीति पर काम करने लगे। खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और BJP की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। चुनाव में हमने साफ कह दिया कि लड़ाई विचारधारा की है। BJP के लोग हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं और हर रोज ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण करते रहते हैं, कोई ना कोई नया तरीका ये निकालते रहते हैं। हमने जाति जनगणना की बात की, हमने कहा कि देखिए देश में पता लगाना है कि किसकी कितनी आबादी है और किसका कितना हक बनता है। एक प्रकार से हम स्नैपशॉट लेना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आज क्या हालात है। BJP के लोग एकदम कहते नहीं, कांग्रेस और उसके दोस्तों ने SC ST OBC को जान बुझ करके आगे नहीं बढ़ने दिया। हमने सरकारी सिस्टम से कांग्रेस की इस दलित पिछड़ा विरोधी सोच को खत्म किया है। कांग्रेस का एक ही मतलब है, झूठ, धोखा और बेईमानी। दरअसल ये सारा ताना बाना दलित वोटों के लिए बुना जा रहा। बीते चुनावों में दलित बाहुल्य सीटों का नतीजा देखें तो पता चलता है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में 29 में से सबसे ज्यादा 9 सीटों पर BJP जीत दर्ज करने में कामयाब रही। वहीं कांग्रेस को 8, अविभाजित शिवसेना को 5 और अविभाजित NCP को भी 5 सीटें मिली थी, जबकि 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में सफल रहे। अगर गठबंधन के हिसाब से देखें तो शिवसेना और NCP में टूट के बाद मौजूदा समय में 29 से 21 सीट महायुति के कब्जे में। मौजूदा समीकरण के लिहाज से भले ही अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व सीटों पर महायुति का दबदबा है, लेकिन हाल के लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखें तो ऐसा लगता है कि दलित वोटरों का एक बड़ा वर्ग महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया ब्लॉक की तरफ शिफ्ट हो चुका है। क्योंकि अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व सभी 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने जीत दर्ज की थी। इन 5 सीटों पर 2019 के चुनाव में BJP और उनके सहयोगी रही अविभाजित शिवसेना का कब्जा था,
सीटों के लिहाज से देखें तो लातूर, रामटेक, सोलापुर, अमरावती और शिरडी लोकसभा की सीट SC के लिए आरक्षित है, जिनमें से शिरडी पर जहां शिवसेना UBT ने कब्जा जमाया तो वहीं बाकी के सभी चारों सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट को जीत मिली। इतना ही नहीं, SC के लिए आरक्षित 29 विधानसभा सीटों में से 21 सीटों पर लोकसभा चुनाव के दौरान महाविकास अघाड़ी के दल ही आगे रहे, महज 8 सीटों पर महायुति की पार्टियां आगे रही और यही BJP और उनके सहयोगियों की टेंशन बढ़ा रखी। बात अगर वोट शेयर की करें तो CSDS की एक सर्वे के मुताबिक बीते लोकसभा चुनाव में 46% दलितों ने कांग्रेस और उनके सहयोगियों यानी इंडिया ब्लॉक को वोट किया, वहीं 35% के करीब दलितों ने BJP और उनके सहयोगियों यानी NDA के पक्ष में अपना मतदान किया। साफ है कि महाराष्ट्र में दलित वोटर्स का अपना खास प्रभाव। एक आकलन ये भी है कि महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा सीटों पर औसतन 15,000 के करीब दलित वोटर्स, जबकि लोकसभा की 15 सीटों पर दलित वोटर्स किसी भी कैंडिडेट का भविष्य तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि सभी दलों की नजर इस बार दलित वोट बैंक पर टिकी हुई। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दलित वोटर विधानसभा चुनाव में भी अपना रुझान लोकसभा की तरह ही रखता है या फिर अपना चुनावी मूड बदलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।